बाबा का। जय हो साईं बाबा, साईं महात्मा महाराज की जय। ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने राजपुर रोड का ही दिखाना है क्योंकि हम राजपुर रोड साइड ही रहते हैं। तो ऐसा है कि राजपुर का पूरा एंड दिखा देते हैं हम आपको कि राजपुर आगे कहाँ तक है। तो ये सामने वाली जो रोड है, ये वाली, ये जो जारी है, ये जारी है राजपुर रोड के लिए पूरे ऊपर तक। और यहाँ आगे से जाएंगे हम साईं मंदिर, आपने सुना होगा साईं मंदिर जाते हैं आगे पूरा एंड तक जाते हैं जो भी मसूरी, और इसे डाइवर्जन बोलते हैं, मसूरी डाइवर्जन इसको बोलते हैं। बीच में चौक है, वो आपको अभी हम दिखाते हुए जाएंगे। तो हम यहाँ नीचे से ना जाके अभी हम यहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए आज की आप मेरी फिर से मेरे साथ जुड़ जाइए। और पीछे का व्यू मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बहुत देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है पीछे, और बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये लोकेशन बहुत अच्छी है, VIP लोकेशन कहते हैं राजपुर रोड को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्लॉग को, मोटो ब्लॉग को। तो मैं अपना हेलमेट पहन लेती हूँ, बाइक स्टार्ट कर लेती हूँ और हम लोग चलते हैं। तो अभी आप लोग देखिए कि कितनी जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, और बहुत जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। और अभी मतलब मैं आपसे बात कर ही रही थी और उसके बाद इतना अंधेरा हो गया यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा सेट करने में प्रॉब्लम आ गई, मतलब वो पता नहीं यार कैसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, सही नहीं चल पा रहा था। तो हमें उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, मतलब ज़्यादा नहीं लगा होगा, 10-15 मिनट लगे होंगे, उसी में इतना अंधेरा हो गया। देख लीजिए आप, चलिए मुझे थोड़ा सा एक प्रैक्टिस ये भी मिल जाएगी, थोड़ा सा साइड साइड में चलाते हुए हल्के ट्रैफिक में। और ये है राजपुर रोड, और मैं अभी चला रही हूँ गाड़ी को अच्छे से, मतलब। और अब मुझे थोड़ा सा ये हेलमेट जो है ये भी सूट हो रहा है। तो प्लीज़ अगर जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास अगर मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, तो प्लीज़ राइडर बड़े भी नहीं हो बट राइडर ठीक ठाक हो और जो एक्शन कैमरा को यूज़ करते हो, प्लीज़ आप थोड़ी सी हेल्प कर देना हमें। अभी मुझे मतलब इतना पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम में जुड़ के मुझे बता सकते हो कि आप कैसे शूट कर सकते हो कैमरे के साथ। तो ये देखिए अभी हम राजपुर रोड पे हैं, और राजपुर रोड बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही क्लीन जगह है ये। और यहाँ पे लोग अपने व्हीकल्स जो है सीखने के लिए आते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, और जब थोड़ा बहुत चलाना सीख जाते हैं तो इवनिंग में डे में आप लोग चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रश कम रहता है। बीच में जहाँ पे मैंने डाइवर्जन बताया था आपको, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है बट यहाँ पे ओके रहता है, यहाँ पे ठीक ठाक रहता है। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस करने में मुझे सच में अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम जो है वो कम मिल रहा है, नहीं तो अभी तक तो मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करने लग जाती। और अभी मुझे इनको साथ में लेके चलना पड़ता है, और क्योंकि एक तो पता नहीं चलता है कि वीडियो बनी है दिखे, ये भी मैंने अपना हेलमेट थोड़ा नीचे किया है और अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ, पता नहीं ये भी रिकॉर्ड कैसा हो रहा होगा, आई डोंट नो, बट धीरे धीरे सीखते ना, वही वाली बात है। तो वही हो रहा है हमारे साथ, और हमें कुछ इतना खास पता नहीं चल रहा है, फ़ोन से कनेक्ट करके कुछ होता है उसमें करने में भी अभी दिक्कत हो रही है। तो ये पीछे देख बैठ के ये भी चेक कर रहे हैं कि फ़ोन से कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। और मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं और ये मेरे हस्बैंड हम ये चीज़ें समझ जाएंगे ना, तो मैं तो सच में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि राइडर्स को जब वो एक्शन कैमरा वगैरह लेते हैं तो शूट करने में कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो चेक करी कि कैसे वो एंगल को सेट करते हैं, क्या करते हैं। बस ये देखिए, ये आ गया है सामने में 3 मंदिर है, ये इनका टेंपल है, और ये सामने आया हमारा साई मंदिर आ गया है। और मैं यहाँ पे रोक देती हूँ गाड़ी को, थोड़ा सा मैंने क्लच को प्रेस किया और ये मैंने अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं साई मंदिर, और अभी आपको हम साई मंदिर के दर्शन करें। ये देखिए, ये है इसका
फ्रंट गेट और ये है मंदिर, सुंदर सा मंदिर है ये साईं मंदिर और बहुत वैल्यूएबल मंदिर है। मैं सारे मंदिर की तारीफ करती हूँ लेकिन सच में है। और आगे मैं दिखाती हूँ आपको, आप लोगों को। यहाँ पे शूज़ सबमिट करते हैं हम लोग अपने, यहाँ शूज़ रखते हैं। काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम दोनों यहाँ पे और बच्चों को लाएंगे किसी दिन। और यहाँ अंदर बहुत अच्छे अच्छे भंडारे होते थे, हम लोग भी आते थे, भंडारा बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे मिलता है प्रसाद, तो आपको यहाँ चादर मिल जाएगी, आपको प्रसाद मिल जाएगा। और ये सुंदर सी यहाँ पे बच्चों के लिए या किसी के लिए भी आप लोग इस तरह से गले के लिए मालाएँ ले सकते हैं। कब से खुलने लग गया मंदिर? अच्छा, भंडारा वगैरह तो अभी नहीं होता है, होने लग गया। अच्छा, कम लोगों के पहले होते थे उतना नहीं। हाँ, पहले तो बहुत होते थे। और अब हम मंदिर में आप लोगों को दर्शन करवाते हैं मंदिर का, साईं मंदिर के लिए। देखिए प्रसाद क्या क्या मिलता है। ये प्रसाद है यहाँ पे, कितने का मिला ये? 51 51 रुपए का प्रसाद है ये। इसमें माला, सॉरी फूल, आपको ये वाला प्रसाद, नारियल और चीनी मिल जाएगी चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो ये है मेन डोर पे, और ये इसका एंट्रेंस में देखिए तुलसी माता जी विराजमान हैं। और फटाफट दिखा देते हैं वीडियो आपको बना के एक छोटी सी। ठीक है, तो आप लोगों को ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पे साईं मंदिर में जो लोग सेवा करते हैं वो खुद से गाना गाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मास्क नीचे कर देती हूँ क्योंकि वैसे भीड़ है नहीं कुछ, लेकिन क्या है कि साउंड की क्लैरिटी हर वीडियो में बोलती हूँ, मान्यता बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत सामने से आप लोग देख लीजिए इधर से साईं बाबा को। और यहाँ पे यहाँ से घूमते हुए हम लोग ऐसे जाते हैं टर्न करते हुए ऐसे करके, फिर यहाँ से अंदर जाते हैं और जो सेवा करते हैं यहाँ पे अंदर खुद ही गाना गाते हैं। तो कभी ऐसी भीड़ रहती थी ना यहाँ पे लाइन लगा के, हम तब अपने टर्न का इंतज़ार करते थे। तो ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए हमारे साईं बाबा का। जय हो साईं बाबा, साईं बाबा महाराज की जय। कितने अच्छे टाइम पे हम एंटर हुए हैं यहाँ पे। लेकिन और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग आके बैठ जाते थे और शांति से अपनी मन्नतें, अपनी पूजा, अपने जो भी विचार प्रस्तुत करने होते हैं वो सब करते हैं। नमस्ते। कब से खुलने लग गया मंदिर? अच्छा, खुलने लग गया। ठीक, जय हो साईं बाबा। तो ये राजपुर रोड पे स्थित है साईं मंदिर, आप लोग ज़रूर आना यहाँ पे। भंडारा है। अच्छा, भंडारा है। तो मतलब कोरोना में भंडारा कैसे करवा पाते हैं आप लोग? अच्छा अच्छा डिस्टेंस में बिठा के वो। ये सेवा बहुत अच्छी होती थी कोरोना के टाइम में, प्रोग्राम तो कुछ हो नहीं रहा। हाँ, वही आरती हो रही है अभी जी, 5 आरती हो रही है। तो यहाँ पे 5 टाइम की आरती होती है जी। हाँ जी, 5 आरती होती है। अभी रात में फिर होगी लास्ट आरती, अंतिम शेष आरती होगी 7:15 बजे, और बृहस्पतिवार को 8:15 बजे होती है। अच्छा, तो साईं बाबा की यहाँ पे जो, हम तो खैर बचपन से यहीं रहते हैं देहरादून में, तो और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी खाली पेट नहीं जाता है, नहीं। पेट भर के जाता है अपना, वही लोग के कारण तो भंडारा किया जा रहा है। 50 आदमी का, 60 आदमी का, 100 आदमी का डिस्टेंस बना के सबको खिलाते हैं जी। अगर आप लोग अपनी इच्छा से जो देहरादून में कभी आना चाहते हैं या देहरादून में ही रहते हैं तो यहाँ पे आप भंडारा करवा सकते हैं। तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट करते होंगे, जैसे कोई लोग करवाना चाहते होंगे? यहाँ पे बताते हैं लोग कि हमें भंडारा करना है, बाबा का मन्नत पूरा हुआ है, ये हुआ है। अच्छा, तो उनका भंडारा करते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है तो वो लोग भंडारा कराते हैं। तो मन्नतें पूरी होती होंगी तो तभी यहाँ भंडारे होते हैं, और सच में होते हैं। जब होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कैसा भंडारा होता है। हाँ, हमें भी पता है, हमारी बहुत विशेष पूरी हुई है। अच्छा, इसीलिए लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जय साईं राम। तो आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सुंदर सी सेज में मतलब साईं बाबा आराम कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।
है बाबा की प्राचीन फोटो, ये देख लीजिए। और अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे भी बहुत अच्छा है एरिया। तो ये देखिए यहाँ सामने पे बाबा का जो भोग द्वार है, भोग की रसोई है यहाँ पे, यहाँ नीचे है। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से लोग अपना भंडारा खा के बाहर निकलते हैं। और जाते कहाँ से हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे है, और भी मंदिर हैं यहाँ पे। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊंगी अभी। तो ये वो जगह है जहाँ पे हवन किए जाते हैं बाबा के। और ये जो टीका है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग राख ले जाते हैं और इसे बच्चों के अपने सबके लगाते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों को ठंड लगती है, वैसे हम लोग इस मतलब हमारे शास्त्रों में यह है कि हमारे भगवान को भी ठंड लगती है। तो देखिए लोगों ने अपनी श्रद्धा से ऐसे बना बना के यहाँ पर चढ़ाए हुए हैं। तो ये भाव होते हैं सबके अपने अपने, देखिए। तो यहाँ पे सारे जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं, और ये हमारे भोलेनाथ जी हैं। माता भी। और ये पेड़ जो है ये है, तो ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पत्थरों से बना हुआ एक इस टाइप का कुछ है। और ये देखिए ये रुद्राक्ष का पेड़ है, आई थिंक रुद्राक्ष का पेड़ है ये, जो आप लोगों ने देखा होगा। और ये बहुत छोटे से उगाया हुआ था, लेकिन अब ये इतना बड़ा हो गया, ऊपर तक चला गया टीन के ऊपर से। तो इस पर भी लोगों ने अपने मन्नत के बांधे हुए हैं। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लाइन लग जाती है अंदर भंडारे के लिए। और जो सामने पे ये देख रहे हैं ना आप, ये दरवाजे, यहाँ से अंदर जाते हैं और यहाँ अंदर बैठ के भंडारा खाते हैं। और बस साईं बाबा की कृपा से यहाँ पे भूखे लोगों को, जो बाहर बहुत सारे मतलब बैठे रहते हैं जिनको खाने की ज़रूरत होती है, वो लोग भी आते हैं। छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा टीका ले लेती हूँ बच्चों के लिए। तो इसे भभूत बोलते हैं वैसे हम लोग, साई बाबा की भभूत। और इसे भी हम प्रसाद रूप में अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम बाहर चलते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं, आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हमने। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिए हैं दर्शन, और आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं हमने। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मेरी बाइक राइडिंग भी हो गई, दूसरी बात साईं बाबा के दर्शन भी हो गए, और जानने को भी मिल गया कि यहाँ पे अभी भी लोग भूखे नहीं रह रहे हैं साईं बाबा के वजह से, साईं बाबा की रहमत से। जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है, स्पेशली जिनको खाने की ज़रूरत है, उनको यहाँ भंडारा मिलता है, यहाँ नीचे भंडारा लगता है। और अच्छे अच्छे घरों से यहाँ पे लोग भंडारा खाने के लिए आते हैं, और इतनी भयंकर भीड़ में लग के यहाँ पे खाना खाते हैं। आजकल नहीं है भीड़, ये कह रहे थे अभी ऊपर पंडित जी कह रहे थे कि उन्होंने मतलब अरेंजमेंट कम लोगों का किया होता है, लेकिन भूखा नहीं रहता है कोई, उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो जिस दिन हम यहाँ पे फिर कभी नॉर्मल होगा और भंडारा होगा, तो हम लोग आपको उसकी वीडियो भी दिखाएंगे। और अच्छे से अच्छे लोग खाने के लिए यहाँ पे लाइन पे खड़े रहते हैं, और उसमें हम भी शामिल होते हैं, हम लोग भी आते हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग भंडारे में नीचे बैठ के खाना खाते हैं, और फिर सब एक साथ उठते हैं, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये खास चीज़ होती है मंदिरों में, जहाँ पर आप लोग बैठ के आराम से एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, भंडारे के आनंद लेते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगा होगा साईं बाबा से मिलके भी, साईं बाबा के दर्शन करके। और हमारी बाइक राइडिंग तो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ मैं इतनी, मैं अकेले नहीं मतलब ये भी कर रहे हैं सब चीज़ देखते हुए। और प्लीज़ हेल्प कीजिएगा जो लोग थोड़ा जिन्हें थोड़ी सा जो राइडिंग वगैरह करते हैं उन्हें लगता है कि हमें ऐसे शूट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके या इंस्टाग्राम से जुड़ के हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का बनेगा। और सबसे अच्छी बात एक चीज़ और हो गई कि नाइट में भी मैंने थोड़ा सा चला लिया, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि थोड़ा अंधेरे में भी हम कैसे चला सकते हैं हेलमेट को कवर करके पहन के। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल में आज पहली बार हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़िए मेरे साथ,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।